Let's start with the next exercise. Here we have to find the distance between the following pairs of point. तो पहला पॉइंट आपका क्या है, 2, 3, 5. देन वी हैव इज 4, 3, 1. तो हमें डिस्टेंस निकालना है. लेट्स से कि माय फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज ए, 2, 3, 5, और बी हमारा क्या हो जाएगा, इट वुड बी 4, 3, 1. अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो वी विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर और z2 - z1 का स्क्वायर. अब बस सारी वैल्यूज इसमें आप सब्सिट्यूट कर सकते हो. फर्स्ट वैल्यू यू विल हैव इज 4, क्योंकि पहला वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x1 y1 and z1, और दूसरा वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x2 y2 and z2. तो x2 आपका क्या है, 4. x1 क्या है आपका, 2. तो 4 - 2 का स्क्वायर. y2 - y1 क्या है हमारा, 3 - 3 का स्क्वायर. z2 - z1 इज 1 - 5 का स्क्वायर. तो 4 - 2 आपका कितना हो गया, 2 का स्क्वायर. 3 - 3 इज 0 का स्क्वायर. 1 - 5 इज -4 का स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर भी नो एज 4, 0 का तो 0 ही रहना है. -4 का कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 60. तो यू विल गेट √20 एज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. और √20 को अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो ना, तो यू विल गेट द वैल्यू एज 2√5, क्योंकि हमें पता है वी कैन फॉर्म अ पेयर. 2 हो गया, इट विल गिव यू 10, 2, 5 एंड लास्ट में 1. तो 2 का पेयरिंग बन रहा है, इसलिए 2 को हम बाहर ले सकते हैं. तो 2 बाहर आ गया, √5 वुड बी इनसाइड इट. और आपने क्या लिखना है, यूनिट्स.